मिडिल स्पीड पे चलो, आप सीधा कंट्रोल में गाड़ी चलाइए और स्पीड को बरकरार रखिए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा लिखा, दूसरे जैसे शॉकिंग न्यूज मिल सकता कुछ भी, तो जिसकी वजह से आपका दिमाग उधर चले जाता, रोड पे से हट जाता, आप क्लच नहीं मार सकते, ब्रेक नहीं मार सकते, गियर चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए एक्सीडेंट होता। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि फोन अगर आने के बाद ड्राइविंग में आप बाजू ले लो, फोन बाजू रखो, गाड़ी बाजू रखो, फोन पे बात करो, फिर उसके बाद आप स्टार्ट हो जाओ। ऐसा कोई लाखों का नुकसान होने वाला नहीं है। जो आप रनिंग में आप फोन उठा रहे, बात कर रहे, गाड़ी टेढ़ा हो जा रहा, पोस्टर आपका टेढ़ा हो जा रहा, कभी भी आपको एक्सीडेंट हो सकता, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हो गए। अब तक ऐसे कई एक्सीडेंट हो गए, आज का पेपर देखो कितने एक्सीडेंट हो गए, देखो कल का न्यूज देखो, कल का कोई 4TV न्यूज देखे सर, कोई तो भी 4TV न्यूज कौन देखे कल, कितने एक्सीडेंट बताए सर, बोलो रियली, कम से कम 10 एक्सीडेंट बताए। इसका कोई कीमत है? बिगेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ये अपने दुनिया का सबसे कीमती और अपने बॉडी का मेन पार्ट है, मेजर पार्ट है, ये पूरा कम्युनिकेशन यहीं से होता। हाथ को मार लगा तो रह सकते हैं, पर ऑपरेशन होता, या किसी को एक हाथ नीएस वाले भी है, अगर पैर को मार लगा तो एक पैर नीएस वाले भी है, लेकिन हेड को मार लगने के बाद 99.9 जिंदा रहना मुश्किल है। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि हेलमेट पहनना है। अभी बोझ समझते क्या, सीट बेल्ट लगाते चलो चलता है, जो स्टेट जाके आते, अमेरिका जाके आते, दूसरे कंट्री जाके आते, वहां पे रूल फॉलो करते, यहाँ पे आने के बाद रूल भूल जाते, क्यों? ये इंडियन थानों ने चलता बोल के, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, आपकी सेफ्टी के लिए। एक सेकंड के लिए रेस करो, सब कितनी की स्पीड चले, प्रमादाल अनेक रकल अध्ययन स्टडीज में तेज सपोज डेथी అది చీప్ డెత్ అనమాట, డెత్ అవుట్ అని మీనింగ్, కారణం లేకుండా చనిపోయి డెత్ ఎవరో చేసిన తప్పుకి ఇంకొకరు ఎవరో చనిపోతూ ఉంటారు. ఆ బాధ ఒక చేసిన తప్పుకి ఆ కొట్టు చనిపోయినాడు చనిపోతాడు, వారి నెక్స్ట్ ఆఫ్ కింద అంటే వెనక వైపు వారి వెనుకన ఉండే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, భార్య పిల్లలు వాళ్ళు కూడా జీవితాంతం దానికి క్షోభ అనుభవించారు. మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి చనిపోతే అప్పటిదాకా సాఫీగా జరుగుతుంది. ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా ఉద్యోగాలు కూడా దొరుకుతాయి కాబట్టి మన ఇది డెవలప్ చేయాలంటే ఎంతగా తీసుకోవాల్సిందిగా నేను సభాముఖంగా ప్రోటోకొచ్చు, కానీ ఆ ఇబ్బంది అంతవరకే ఉంటుంది. సార్, హైదరాబాద్ కమిషనర్ సార్ శ్రీ అనిల్ కుమార్ సార్, అడిషనల్ సిపి ట్రాఫిక్ శ్రీ అనిల్ కుమార్ సార్, డీసీపీ బాబురావు సార్కి హుకుం సార్, ఈ హమ్లోగ నేషనల్ ట్రాఫిక్ నేషనల్ రోడ్ సేఫ్టీ వీక్ కి అవసర్ పర్ యా మెహదీపట్నం మే वेस्ट सेंट्रल जोन गौशामल ट्रैफिक एजेंसी की लिमिट्स में एक ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया चार पुलिस स्टेशन के एरिया में. इसमें ये लोगों को बोला कि जितना भी लोग जो वायलेट किया है वो पकड़ा गया, बच्चे लोग वगैरह और जो है पब्लिक है उनको बुला के इधर ये ऑर्गेनाइज किया कैंप, उनको जितना भी रोड सेफ्टी के जो ये है पॉइंट्स बताया और उनको उनसे हम रिक्वेस्ट किया ताकि जो भी गाड़ी चलाएंगे वो रूल्स फॉलो करते हुए चलाएं और ट्रैफिक जो डेथ्स और कैजुअलिटीज वो कम करने में ट्रैफिक पुलिस को सहायता दे. और पिछले 3 सालों में 2016 में ऑलमोस्ट 411 डेथ्स हुआ हैदराबाद सिटी में, 2017 में वो 305 को आके रुका और इससे इस साल 2008 में और कम हो गया. तो जितना भी ट्रैफिक पुलिस जो भी मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं उसी का नतीजा ये डेथ्स कम होने में दिखाई दे रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ये आपके जरिए पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम हैदराबाद सिटी में जो डिसिप्लिन लाने के लिए पब्लिक भी हमारे सहायता करें, सहायता दें, इससे हम और इम्प्रोवाइज्ड और ट्रैफिक जो मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे और जो एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल वो और बढ़ाएंगे. तो इससे पहले लास्ट ईयर 2017 में एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल 18 किलोमीटर आता था, हर घंटे में एक गाड़ी निकला तो एवरेज 17-18 किलोमीटर्स जा सकते थे वो स्पीड पे. अभी वो ट्रैफिक रूल जितना भी मेजर्स लिया उसकी वजह से अभी एवरेज स्पीड 22 किलोमीटर्स को बढ़ गया पर घंटा. सो ये
मतलब जितना भी ट्रैफिक पुलिस वाला जो स्टेप्स ले रहे हैं उसका नतीजा ऐसे हो रहा है, मतलब डेथ्स कम हो गया और एवरेज स्पीड बढ़ गया, और जितना भी जंक्शंस में कैमरास लगाया गया है ये लोग पब्लिक नहीं समझ रहा है कि हम जो भी गलती करेंगे बगैर मतलब पनिशमेंट जा सकते हैं, बोले हर जगह जो मैनुअल ये है ऑब्जर्वेशन वो भी रहेगा और सर्वेलेंस कैमरास भी है, उसके जरिए जो भी वायलेशंस करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे और चालान भी भेजा जाएगा। सर ये सरोजनी आया जैसे आप बोला वो सही है, करंट जा रहे हैं लेकिन इसके लिए कैमरा भी लगा है उधर, एक आदमी को कंटिन्यूसली रॉन्ग साइड में जो भी आ रहा है उसको चालान मतलब फोटो ले रहे हैं, एक रॉन्ग साइड चालान 1100 रुपीज़, 1100 कोई कम अमाउंट नहीं है, उसको जब मालूम होता है जब पकड़ के चालान वसूल करेंगे ट्रैफिक पुलिस, और ये पेनल्टी पॉइंट जो रॉन्ग साइड में जो भी आ रहे हैं उसको पेनल्टी पॉइंट्स भी ऐड होंगे 2 पॉइंट, और उसके अलावा जो भी फिजिकली जो ना कॉन्टैक्ट एनफोर्समेंट में जो पकड़ा उसको कोर्ट को भेज रहे चालान हो रहे, और एक दिन या कम से कम एक दिन से लेकर 10 दिन तक गाड़ी पुलिस स्टेशन में पड़ा रहा है। 2 दिन पहले जो देख गया वो जो है कमिश्नर साहब इंक्वायरी ऑर्डर किया, हम इंक्वायरी किया, जो भी विटनेस है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, कल मैं रिपोर्ट DCP साहब को सबमिट किया और CP साहब उनको हुक्म दिया ताकि वो SI को CR हेडक्वार्टर में जाके रिपोर्ट करें, बोल ऑलरेडी दैट फेलो हैज गॉन CR हेडक्वार्टर का जो भेजना एक किस्म का पनिशमेंट है, वो बाद में इंक्वायरी में जो निकलेगा उसके हिसाब से कमिश्नर साहब हुक्म लेंगे, दैट इज़ नॉट इन माय पर्व्यू, रिपोर्ट सबमिट करना मेरा ड्यूटी है, एक्शन लेना सीनियर ऑफिसर का। सर पब्लिक में सर कोई भी इतना फ्रेंडली पुलिस बोलने के बाद अगर इस पुलिस ऑफिसर ऐसा करो बोल के सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए बहुत सीरियस एक्शन हो गया उसके खिलाफ, मैं मेरे हाथ से मैं इंक्वायरी किया, आई हैव एग्जामिन्ड 6 विटनेसेस, ओके वही रिपोर्ट मैं उसके एक्शन खिलाफ एक्शन करने के लिए रिपोर्ट सबमिट किया, और CP साहब उस दिन वो फौरन वायरल होते ही CP साहब भी मतलब सबको इंस्ट्रक्शन दिया इंक्वायरी करो बोल के, तो डेली रोल कॉल होता है सुबह और दोपहर में पुलिस स्टेशन में जो कांस्टेबल्स लेकर सबको इंस्पेक्टर साहब इंस्ट्रक्शन देते हैं बिहेवियर के बारे में, DCP साहब पिछले जब कमिश्नर साहब था जब से बोल रहे और बिहेवियर शुड बी पोलाइट टुवर्ड्स पब्लिक, क्योंकि पब्लिक हमारे को तनख्वाह दे रहे तो बिहेवियर के मतलब उसमें जो भी अगर वायलेट किया उसको माफ़ नहीं है। सर एक वाक्य ये एक्चुअली यूनिफॉर्म किसके किस लिए दिया गया पुलिस को, यूनिफॉर्म में तो क्या है एक आदमी दूसरा ड्रेस पहन के आएंगे, एक आदमी जो ऑरेंज ड्रेस पहन के आएंगे एक आदमी ये पहन के, यूनिफॉर्म वाला क्या है वो आइडेंटिटी ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म को देख के रोकते, अगर मैं मफ्ती में आके मेरे को सुनते क्या कोई रोको बोल के या रॉन्ग साइड नहीं आना बोल के नहीं सुनते ना, पुलिस वाले का आइडेंटिटी होता है यूनिफॉर्म, मेरे को चाहिए खाना चाहिए मेरे को खाना दे रहा है यूनिफॉर्म दे रहा, यूनिफॉर्म का जो रूल्स लेड है वो आज नहीं है, वो यूनिफॉर्म का रूल्स पहले बहुत पहले लिखा गया है वो फॉलो करने का मेरा फ़र्ज़ मेरा है, और मैं मेरे को कोई ज़बरदस्ती लाके बुला के नौकरी नहीं दिया, मैं भागा मैं एक्सरसाइज किया ये किया रनिंग जंपिंग किया एग्जामिनेशन में पास हो गया, मेरा रिक्वेस्ट पर मेरे को नौकरी मिला, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है गवर्नमेंट जो ऊपर वाला जो हुक्म दिया उसको पालन करने का वो फॉलो करने का, दिस माई ड्यूटी आई कैन नॉट वायलेट, और मैं इतना लगा के आता नहीं तो कल ये लगा के दाढ़ी बना के लगाऊँ ACP ऐसे बोल के नहीं चलेगा, जब मैं फॉलो करूँगा मैं क्योंकि सेविंग करके तो रूल्स में है नहीं तो मेरे को भी बनाने का ये रहता ना, कोई भी किसी के रिलीजन के ऊपर नहीं रहता, कोई मुस्लिम हो हिंदू हो क्रिश्चियन हो कोई भी, एक बार मेरे पास मेरा बात बस नहीं है, अगर एक कांस्टेबल गलती से कुछ बोला तो उनकी लेवल में वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो ये मत करो वो मत करो बोल के नहीं बोलते, यूनिफॉर्म का इंस्ट्रक्शन सब यूनिफॉर्म रहेंगे, इंस्ट्रक्शंस रहता है ना हर धर्म वालों को एक ही इंस्ट्रक्शन रहता है, और फॉलो करना नहीं करना उनकी बात की बात है, जो नहीं करता है वो जवाब देना पड़ेगा, और ऊपर जो आप बोला नमाज के लिए टाइम दे ये मेरे हाथ में नहीं, हम मना नहीं कर रहे किसी को भी मना नहीं कर रहे, लेकिन मैं जा सकता हूँ कोई काम पर पर्सनल काम होता है कोई भी मेरा, अगर मैं टेंपल जाना है दूसरा कोई भाई मस्जिद को जाना है वो अपना पर्सनल काम है, पहले खाना जो दे रहे नौकरी ये इम्पोर्टेंट ये ना ये करो लेकिन बोल के जाओ, लेकिन मेरा ऑप्शन की वजह से उधर तकलीफ नहीं होना, भाई अगर नौकरी कर रहा हूँ फर्स्ट मेरा नौकरी बनता है, अगर मैं टेंपल को जाना